आज आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट या क्वेश्चन जैसा जब समझे। तो आपसे पूछा विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि। तो आपने पढ़ा होगा अदिश राशि क्या होता है, जिनको केवल हम परिमाण से, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड से, केवल मैग्नीट्यूड से जिनको दर्शाएं उनको हम अदिश राशि बोलते हैं। दिशा की जरूरत नहीं पड़ती इनको बताने के लिए, जैसे द्रव्यमान, मास, आयतन हो गया, इन लोगों के लिए दिशा बताने की केवल मात्रा क्वांटिटी बता दोगे या परिमाण बता दोगे काम हो जाएगा। सदिश राशि हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यानी कि दिशा, परिमाण और दिशा दोनों बनाना पड़ता है। जैसे वेग यानी कि वेलोसिटी, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, हमें बताना पड़ेगा ना किस दिशा में कौन सी डायरेक्शन है। तो इसके लिए सदिश राशि में क्या दिशा और परिमाण, अधिशासन क्या होता है परिमाण। अब धारा क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा भी होती है। दिशा क्यों, क्योंकि आपने अगर वो सर्किट बनाया होगा कभी परिपथ होता है विद्युत परिपथ, उसमें आप देखोगे हमने करंट को ऐसे दिखाते हैं आई ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि दिशा भी है और परिमाण भी है। लेकिन ये सदिश राशि होनी चाहिए थी, लेकिन सदिश राशि नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा ये सदिश राशि नहीं होती, ये होती है अदिश राशि। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको फॉलो नहीं करती है। सदिशों के त्रिभुज योग नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये अदिश राशि है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तब भी बच्चे गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि उनको दिमाग में होता है कि दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो गलत कर देते हैं।